अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करें जी सारे दोस्त बाप ठीक हो सर। तो तुम वेख लो मैं यूट्यूब चैनल फेल राइट से लगा अब जुमे ना दिन जुमा पढ़ के आया तो एक गल देने से आ गई। मैं चलो सारे भाइयों ना डिस्कस करके ना देखो भाई जुमे वाले दिन माशाल्लाह मस्जिद भरी हुई होनी और हर बंदा एहतमाम करे ना कि मैं नमाज जुमा पढ़ा। और वेखो जिस टाइम जुमे की नमाज हो गए नहीं जुमे के बाद जिस टाइम असर नमाज ना वक्त आना तो उस टाइम कोई नमाज कोई नहीं आना। तो एक ही गल है ये बड़ी फिक्र नहीं गल है। एक मैं आलिम को सुना बयान करे ना पे उन्होंने पे कि जिस टाइम बंदा नीयत करे ना ना असा जुमे लड़ा सा नीयत की वो नहीं कि असी नमाज पढ़ सा और अल्लाह उस नीयत से अपने घर के ना मैंने बंदा मतलब कि नहा धो के नवे कपड़े पा के तो अल्लाह उस अपने घर के ना मैंने लेकिन वो बंदा असर नमाज क्यों वाला निगारे च नहीं आना उसने नीयत ही नहीं आनी। और ये पक्की गल जहन बिठा के ना कि जेड़ा अल्लाह ने घर नमाज पढ़ने वास्ते बहना वो कोई अपनी हिम्मत ना कोई नहीं बहना उस अल्लाह पाक तो फीक देने तू बहना और जो अल्लाह पाक अपनी तलब बखाना तो तू वो तो अल्लाह निगारे चहना और जड़ा नमाज पढ़ने वास्ते नहीं बहना तो वही ना समझे कि मैं अपनी हिम्मत ना ना बहना अल्लाह तो फीक ही नहीं देने। ये बड़ी फिक्र नहीं गल है अल्लाह को तौफीक मंगनी जी हूँ जुमे लड़े असी नमाज ने तमाम करे ने नमाज पढ़ने तो सारी नमाजा भी असी इन मस्जिद भरी हुई हूँ लेकिन अल्लाह ना हुक्म है जिन्हें पंज मरतबा नमाज पढ़ना और पंज मरतबा पुकार होनी अल्लाह ने घर तो आओ खयाल सलाह नमाज नहीं तरफ खयाल फलाओ कामयाबी नहीं तरफ तो मैं समेत बंदा वेख गया कि असी कितने बंदे असी नमाज से बहने इसने भाई फिक्र है तमाम करनी नमाज कहीं सूरत माफ़ नहीं हदीस शरीफ में मफहूम है कि काफिर और मुसलमान ने दरमियान जो फर्क करने वाली शायद वो अभी नमाज तो नमाज में छूट हो गया तो सही नाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला ने मौके उन्होंने छूट हो गया लेकिन सही दे सारों ने कटाया एक पैगाम दे के कहें कि नमाज कहीं सूरत ही माफ़ कोई नहीं। इंशाल्लाह उम्मीद करें ना सारे बराज ने कोशिश फिक्र करे सो कि नमाज ही तो सब कुछ है नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक मारसा इस अमल करने तौफीक दे जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।